नमस्कार आदाब सत श्रीकाल, आशा करते कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आइए डालते हैं आज की क्या खबर। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने महरौनी व बांसी तालबेट में जोरदार जनसंपर्क किया। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर महरौनी विधानसभा के बसपा के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य पूर्व जिला उपाध्यक्ष बसपा दामोदर प्रसाद पटेल ने आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और रीतियों से प्रभावित होकर सांसद के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तीनों नगरों में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह स्पष्ट नजर आ रहा था। प्रत्याशी अनुराग शर्मा के साथ उमड़ता पूरा जन सैलाब, साथ ही प्रत्येक कार्यकर्ता जोश के साथ मोदी जी और अनुराग शर्मा के समर्थन में नारे लगा रहा था और जन जन से 20 मई को वोट करने के लिए अपील कर रहा था। साथ ही नगर के सभी गणमान्य जनकर्ता मातृशक्ति सांसद शर्मा को माला पहनाकर उनका स्वागत कर रही थी। इस अवसर पर लोकसभा प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक नेता बन के उभर के आने के बाद सारा देश उनसे प्रभावित है और उन्हीं के विशाल व्यक्तित्व ने सारे देश को प्रभावित कर दिया। देश का प्रबुद्ध वर्ग सहित विपक्ष के बहुत से नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने ललितपुर में बहुत से विकास काम किए और वर्तमान में भी चल रहे हैं। राज्य मंत्री मनोहर लाल बोले कि चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प बनाने का चुनाव है। विधायक रामरतन कुशवाहा ने कहा कि इंडी गठबंधन परिवारवादी पार्टियों का जमावड़ा है, भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। इनको सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने से मतलब जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये सभी सेवा के नाम पर जीरो हैं। जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन बोले कि मोदी जी ने हम सभी को छुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के सभी मतदाता मोदी जी के लिए वोट डालना चाहते हैं। इस अवसर पर निवर्तमान अध्यक्ष जगदीश सिंह लोधी, विधानसभा संयोजक हरिराम लोधी, विधानसभा प्रभारी अरुण सिंह, जिला महामंत्री बब्बू राजा बुंदेला, प्रदीप चौबे, श्रीराम पटेरिया, हरगोविंद कुशवाहा, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्नालाल जैन, अपना दल पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा, जेके सिंह, जिला मीडिया प्रभारी देवेंद्र गुरु, मंडल अध्यक्षगढ़ असू पंडा देवेंद्र तिवारी, डॉक्टर सत्येंद्र मलया, ब्रजेंद्र सिंह यादव, जिला पंचायत सदस्य मानवेंद्र सिंह यादव अर्जरिया, विजय सोनी बद्री, जिला उपाध्यक्ष हरीश चंद्र रावत, मंडल अध्यक्ष नीरज पटेरिया, भानु प्रताप सिंह परिहार, राजेश त्रिपाठी, मनोहर लाल शर्मा एडवोकेट, नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मुक्ता सोनी, कैलाश सिंह लोधी, हरी सिंह बुंदेला, जिला पंचायत सदस्य लीलाधर दुबे कल्लू, शैलेंद्र कुमार चौबे, सुदामा प्रसाद, देवेंद्र गुरु, प्रमोद नायक, अभिनव तिवारी, लक्ष्मी शर्मा, अमित गुप्ता, डॉक्टर ब्रजेंद्र सिलोहिया, रामू बिलगाइया, देवेंद्र झा आदि लोग मौजूद रहे। अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद के समस्त राजपत्र अधिकारियों व स्थानीय थाना प्रभारी के साथ पुलिस लाइन सभागार में मीटिंग कर आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल एवं शांतिपूर्ण विस्तारण में संपन्न कराने हेतु तथा सुदृढ़ सुरक्षा पुलिस प्रबंध के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर FST SST टीम के साथ लगा पुलिस फोर्स चुनाव के दृष्टिगत संदिग्ध व्यक्त वाहनों की सादर चेकिंग की कार्रवाई करने इस संबंध में निर्देशित किया गया। समस्त थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीट, कार्य शीट, अपराधी गुंडा अभ्यास, अपराधी अराजकता तत्वों पर प्रभारी निरोधात्मक कार्यवाही कर प्रबंधित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश वे थाना प्रलंबित विवेचनाओं को जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा किसी भी आकस्मिक परिस्थिति, दंगा और बलवा आदि से निपटने व नियंत्रण हेतु गोष्ठी के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण राय, क्षेत्राधिकारी पाली रक्षपाल सिंह, क्षेत्राधिकारी महरौनी अजय कुमार, क्षेत्राधिकारी तालवेट कुलदीप कुमार व समस्त थाना प्रभारी, विकास सेना की एक आवश्यक बैठक स्थानीय कंपनी बाग में अध्यक्ष राजकुमार कुशवाहा की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में नगर की ध्वस्त विद्युत सप्लाई और पेयजल संकट के कारण बचे हाहाकार पे गहरी चिंता व्यक्त की गई। बैठक में जिला अधिकारी से मांग की गई कि ललितपुर जनपद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन हब है तथा साथ ही प्राकृतिक जल के संचालन के लिए सबसे अधिक बांध इसी जनपद में मौजूद है, परंतु विडम्बना है कि जहां एक और ये उपलब्धियां हमारे जनपद वासियों को पूरे प्रदेश में गौरवान्वित करती हैं तो वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग और जल संस्था के अधिकारियों और कर्मचारियों की आक्रमकता, उदासीनता के
कारण भीषण शर्मिंदगी का भी एहसास हो रहा है। गर्मी के मौसम में भारी अधोषित विद्युत कटौती तथा कई दिनों सप्ताह तो क्या महीनों तक नगर के विभिन्न मोहल्लों में अनियमितता व पेयजल पूर्ति के कारण नगरवासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो शहर की जनता बूंद बूंद पानी को तभी कुछ मिनटों के लिए पानी आता है, स्वच्छ पानी की जगह गंदा बूंदार पानी आता है, जिसके कारण संक्रमक रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।